ये गंगा मैया का जो महिमा है, अब इसके आगे अब क्या बोल ही सकते हैं। ये जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तीसरी बार बढ़ रहा है ये गंगा का जलस्तर। आज से जिला प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है, बोट संचालन बंद कर दिया हुआ है। और उसके बाद फिर अब हम लोगों का वाराणसी का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल देव दीपावली आता है, हम लोग उसके आश्रय रहते हैं। उस टाइम की हम लोग बुकिंग लिए हुए थे, तो बुकिंग वाला जिससे लिए हुए थे उनका भी कॉल आ रहा है। न्यूज़ में आज दिया कि बोट्स राइड बंद है, चल रहा है। तो हमसे पूछा कि कितने दिन तक का ऐसा चलेगा, हम बता नहीं सकते कि उन लोग को ये पानी का, गंगा का जलस्तर कब कम होगा। तो बुकिंग जितना हुआ वो भी कैंसिल पड़ा, करना पड़ा। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ, जब से तो हमारा जन्म हुआ ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, नहीं तो इसके पहले ऐसा, मतलब ऐसा सीन नहीं था। और गंगा का जो जलस्तर बढ़ा ये बहुत, मतलब लेट से बढ़ा और बहुत काफ़ी दिन हुआ। गंगा का जलस्तर अक्टूबर नवंबर के महीने में ये गंगा का जलस्तर हमेशा नॉर्मल स्थिति में रहती है, गंगा हमेशा नॉर्मल स्थिति में चली जाती है। ये हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के समय से आज तक उन्होंने ये सब नहीं देखा कि अक्टूबर नवंबर में पानी ऊपर आ रहा है। ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में पानी ऊपर आ रहा है। कार्तिक में यहाँ पे बनारस में काफ़ी ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि छठ पूजा है, दिवाली है, काफ़ी नागनथैया है, फिर देवी दिवाली है। ये सब त्यौहारों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि पानी का जलस्तर बहुत ही ऊपर है, तो घाट किनारे जगह नहीं है। तो लोकल लोगों को तो त्यौहार मनाने के लिए एकदम, नाविकों को तो मान लीजिए अब तो नौका संचालन बंद होने के कगार पर है, आज बंद हो गया है। तो अब हम लोग क्या करें, अब मान लीजिए ये पानी इसी तरह बढ़ रहा है, दस दिन 15 दिन तक मान लीजिए इसी तरह चला जाएगा। अब सब त्यौहार बगल में आ गया है, अब हम लोग का आए भी नहीं है, तो हम लोग करें क्या। अच्छा, जो बुकिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।